एक्साइटेड हूँ। मैं खुद सर से लेकर पाव अरमानी में आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज इनके साथ एसोसिएट होने से पहले मेरे सालों का एक सिलसिला चला है अरमानी के साथ, बिकॉज बचपन से मैंने अरमानी के कपड़े पहने हैं, एक्सेसरीज पहनी हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस लॉन्च ऑफ द न्यू कलेक्शन। आई थिंक वो ट्रेंड्स पे बिलीव नहीं करती हमेशा। एज अ ब्रांड दे हैव बीन सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी, दे हैव बीन टाइमलेस। अगर देखा जाए तो ये नहीं है कि आज ये फैशन में है तो वो उसे कॉपी करते हैं। सालों से आप देखें तो एक कंसिस्टेंसी रही है। और मैं मानता हूँ कि एक ब्रांड की हिस्ट्री और हेरिटेज में अगर आप जाके देखो तो ये नहीं देखोगे कि आज उन्होंने इनको कॉपी किया या उनको, बड़ा देखोगे कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो एक अपनी छाप बनाना इतने सालों से इंटरनेशनली, दैट गोज टू शो दैट दे हैव एन आइडियोलॉजी दैट दे बीन फॉलोइंग फॉर मेनी इयर्स। आई थिंक मेरी बहनों को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है स्टाइल के लिए। आई थिंक बिलीव इन योर सेल्फ, अपने इम्पल्स को फॉलो कीजिए, जो आपको लगता है आप पे ठीक लगता है वो कीजिए। क्योंकि लोग तो बहुत चीज़ें कहेंगे, लोग बहुत चीज़ें कहेंगे ये भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो, लेकिन अंत में आपको कंफर्ट लगना चाहिए वो करने में। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ दूसरों के कहनों पे चीज़ें ट्राई करते हैं जो उन पे शायद सूट ना करे। मैंने हमेशा वही किया जो मुझे लगता है मुझे सूट करता है, बिकॉज आप अपने आप को सबसे बेटर जानते हैं। तो आई गेस दैट इज़ ऑलवेज बिन माई मंत्रा, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल यू विल कम अक्रॉस दैट वे टू पीपल। अगर आप ही थोड़े नर्वस हो या अनकम्फर्टेबल हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी में उभर के आ जाता है। हाँ, मतलब सूट नहीं पहना पानीपत में, लेकिन टोपी पानीपत के लिए पहनी है। प्रेशर क्या होता है ना, जब आप शूटिंग के माहौल में खो जाते हो ना, आप प्रेशर का नहीं सोचते, आप उस दिन के प्रेशर के बारे में सोचते हो कि आज काम अच्छा करना है, सीन अच्छा होना चाहिए, शॉट अच्छा होना चाहिए। मज़ा बहुत आ रहा है। जैसे आपने कहा, मेरी पहली पीरियड एक्शन फिल्म है संजू सर के साथ, कृति के साथ, आशु सर के साथ काम करना, और बहुत बड़ी ऑनसेंबल कास्ट है, बहुत बड़े सेट्स, वॉर सीक्वेंसेस, और वो दुनिया में खो जाना, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बतौर एक्टर वी लिव फॉर दीज मोमेंट्स जहाँ पे हम खो सकते हैं अलग दुनिया में जाके। और हाँ, लुक छुपाई जा रही है क्योंकि आशु सर मानते हैं कि जब मैं पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया जाऊँ आप सबके सामने, इट शुड हैव एन इम्पैक्ट, और वो फिल्म के दायरे में दिखना चाहिए, तब उसका एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि ये इस तरह क्यों दिख रहा है। जैसे कि मेरी मूछें ऊपर है, आई एम प्लेइंग अ पेशवा इन द फिल्म, जो पूरा लुक है बहुत ही अच्छा काम किया है नीता लुला ने, कॉस्ट्यूम्स किए, तो आई वांटेड टू कम आउट द वे इट शुड, एंड दैट्स व्हाट इवन आशु सर वांट्स। बहुत एक्साइटिंग फिल्म है, लेकिन वी हैव शॉट अबाउट 60%, अभी काम चल रहा है, तो आई थिंक अगले दो महीने में फिल्म खत्म हो जाएगी और साल के अंत में आप सबको लुक भी देखने मिल जाएगा। थैंक यू। दैट माय पर्सनल स्टाइल इज थोड़ा वो कहते हैं ना हटके, सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। आई लाइक द होल चेकर्ड लुक हैपनिंग, इट्स वेरी ब्राइट, इट्स नॉट अ रेगुलर सूट, and I don't ever remember wearing a double breasted jacket after the blazers I wore in school, so I think after that I'm wearing this today and I'm happy. I really like it. I think it's colorful, it's getting hot, everybody's saying yaar Bombay mein garmi badh rahi hai, so I think finally it's a good time for us to just break out of that and celebrate color, happiness. Holi kal hua, it's a good time to celebrate colors. Mujhe to bahut intezar hai yaar, mujhe to intezar us din se jis din पहला सीजन ड्रॉप हुआ था, बिल्कुल आपकी तरह एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर इट लाइक द सेकेंड डे। सो आई रिमेंबर इट रिलीज ऑन द 6th of July एंड ऑन द 7th of July एवरीबडी वॉज लाइक व्हेन इज सेकंड सीजन कमिंग। सो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल इज वेल, आई एम जस्ट लाइक यू ऑल, देर इज अ लिटिल प्रेशर, यू फील मी ब्रदर, यू फील मी, आई नो देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम यू वुड सी मी, यू वुड बी सीइंग मी इन अ रोल दैट will actually recognize me as an actor in a film. So yes, there is pressure. So thank you for feeling me. Okay. Yeah? Thank you, ma'am. Have a pleasure evening, ma'am. Thank you so much, guys. Have a great evening. यू नो अरमानी इज ऑलवेज बिन क्लासिक, हमेशा एक बहुत ही क्लासिक ब्रांड है एम्पोरियो अरमानी इज बिन ऑलवेज, इट रेजोनेट्स विद देयर सूट्स, विद देयर यंग फैशन, सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेयरिंग दिस वेरी कूल जैकेट बाय अरमानी टुनाइट, एंड या एक्साइटेड टू बी हियर, बहुत एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल दीज ब्रांड्स आर कमिंग टू इंडिया एंड इतने ग्रैंड स्केल पे आ रहे हैं। और समर इज ऑल अबाउट मी, यू नो आई लव द समर vibe, I love summer in general, it's easy, it's breezy, you can buy shorts, you can buy whatever you want and you can just step out, so I'm excited, yeah. You know, my style sense is actually, it's very easy, for me stepping out of the night, agar main raat ko bahar ja raha hu, I'm the most comfortable wearing, you know, like slim jeans, ripped, black pair of boots, a black pair of t-shirt, probably, you know what, this is what I do, so this is my party mode. So every time I feel like I want to go out and party, I just like pull out my chain out. But, under chupa
नहीं सर ये जैकेट में इतना कुछ होला ना ऑलरेडी, मैं कहा चलो इसको म्यूटेड रखते हैं, बट ये बाद में रात को जब जैकेट उतरेगी तो ये चेन बाहर आ जाएगी, सो आई फील अ लिटिल मोर ड्रेस्ड, सो दैट्स माय वाइब, या दैट्स हाउ इट इज। ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स योर ट्रू फैशन सेंस? व्हाट्स माय ट्रू फैशन सेंस? माय ट्रू फैशन सेंस इज स्ट्रीट मीट्स फॉर्मल, दैट्स हाउ आई एम। आई लव कंबाइनिंग स्ट्रीट वेयर विद high fashion because that's how you can have fun, that's how it looks young, it looks me, and that's how I like to have fun with it. Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel, press the bell icon for future notifications, click on the like button, must do share the link, thank you.